शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। अब से कुछ दिन पहले हमने उत्तराखंड में तबाही का तांडव देखा था, मौत का सन्नाटा सुना, हमने बिलखते परिवारों को देखा और फिर सेना के पराक्रम को देखा जिसने लाखों लोगों को बचाया। कुछ लोगों को लगता है कि क्या एक बार ऐसा संकट आया, त्रासदी हुई, उसके बाद देश उसको भूल जाएगा। इसीलिए आपकी अदालत में आज हमने आमंत्रित किया है एक ऐसी शख्सियत को जो इस भयानक त्रासदी के बीचों बीच था, जिसने इस हादसे को, इस मंजर को सबसे करीब से देखा और जिस पर जिम्मेदारी है अब उत्तराखंड को एक बार फिर से खड़ा करने की। प्लीज वेलकम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुगुणा जी। और आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार मधुकर उपाध्याय को। मधुकर उपाध्याय, और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज मधुकर उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले बहुगुणा जी, हम इल्जाम लगाएं आप पर, आपसे सवाल पूछें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर। उत्तराखंड की तबाही में हजारों लोग मारे गए, इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जो नजारा बयान किया उसे देखकर दिल दहल गया। लोग यहां पर सोए हुए हैं, मजबूर हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से वो यहां फंसे हुए हैं। इस तरह से आईटीबीपी के लोग लोगों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार ले जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप बहुत सारे सवाल छोड़ गया। आज आपकी अदालत में राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उत्तराखंड की तबाही और राहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। हम आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर इल्जाम है कि ये हजारों बेगुनाहों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। बहुगुणा जी, हमने बहुत दिन आपको परेशान नहीं किया, डेढ़ महीने तक आप राहत कार्य में लगे थे, लेकिन बार बार ये सवाल लोगों के मन में उभरता है कि जब ये त्रासदी हुई, मेट डिपार्टमेंट ने आपकी सरकार को पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी, जानकारी थी, अगर समय रहते सरकार चेत जाती तो शायद इतने लोग नहीं मरते। अच्छा है रजत जी, आपने सवाल मुझसे पूछा है। आप जानते हैं कि कहने को तो राज्य छोटा है लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और मेट डिपार्टमेंट ने 16 तारीख के दोपहर में एक रोज़ हम लोग पास एडवाइजरीज आती हैं, वेदर फोरकास्ट की, आपके चैनल्स पर भी आती हैं, उसमें लिखा था भारी वर्षा। आप पहाड़ों में भारी वर्षा जो है वो कोई नई बात नहीं है, और यही बात उन्होंने 17 तारीख की सुबह भी दोहराई कि कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, लेकिन एरिया स्पेसिफिक नहीं था कि किस जनपद में, किस ब्लॉक में। और ये बारिश नहीं है जैसे, ये तो प्रलय था। बारिश से कोई क्षति नहीं होती, हर वर्ष हम लोग बारिश झेलते हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, लेकिन ये तो जिस तरह से बादल फटे हैं और जिस तरह से केदारनाथ के ऊपर जो सरोवर है, गांधी सरोवर, वो फटा है और 27 फीट पानी बहा है, तो पिथौरागढ़ हो चाहे चमोली हो, ये बारिश से नहीं, ये तो क्या प्राकृतिक त्रासदी हुई है, इसका तो विशेषज्ञ बाद में
विश्लेषण करेंगे। देखिए, कुछ जानकारी मैंने हासिल की, रिसर्च किया तो पता चला 15 जून को मौसम विभाग ने कहा कि 48 घंटों में भारी वर्षा होगी, नदियां उफान पर थी, रुद्रप्रयाग जिले में फाटा रामपुर सीतापुर पर टूट फूट की और जनहानि की घटनाएं दर्ज हुई जिला अधिकारियों के पास, सरकार के पास जानकारी थी। 16 जून को दोपहर उत्तरकाशी में भागीरथी के उफनते पानी ने चार चार मंजिला घरों को गिरते देखा। 16 जून को रात 8:30 बजे केदारनाथ का एक बड़ा हिस्सा बह गया, 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा और 14 किलोमीटर नीचे गौरीकुंड का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हुआ, बड़े पुल बह गए, सड़कें टूट गई। इन सारी घटनाओं की जानकारी जिला प्रशासन को थी, लेकिन प्रदेश सरकार ऐसा लगा जैसे सोई हुई थी। देखिए, 16 तारीख को जब फॉरकास्ट आया कि इंसेसेंट रेन्स होंगी, ज़्यादा बारिश होगी, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी का फोटो छपी है अखबारों में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने सावधान किया कि बारिश होने वाली है और यात्री ऊपर नहीं जाएं। यही नहीं, जो रुद्रप्रयाग का हमारा डीएम था, जो हमारा एसएसपी था, उन्होंने एक एडवाइजरी भेजी ऋषिकेश कि सारे यात्री। अब मैं फोरकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जी, अब तो मैं कह रहा हूँ कि जब पानी आ चुका, घटना हो चुकी, पुल सड़कें टूट चुकी, उसके बाद भी यात्रियों को इवैक्यूएट करने का काम, यात्रियों को बोर्ड करने का काम। 16 तारीख की शाम को जो घटना हुई है, उस वक्त उससे एडवाइजरी भेज दी गई थी रुद्रप्रयाग के डीएम के द्वारा कि सारा मूवमेंट ऊपर रोक दिया गया था ऋषिकेश से ऊपर। अब समझने की बात यह है कि केदारनाथ में पिछले 1000 वर्ष में अगर आप देखिए, हमने तो पूरा उसका रिसर्च कर रहे हैं, कभी केदारनाथ कोई त्रासदी से नहीं उस पर कोई असर हुआ। और दुर्भाग्यवश इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, जो 4500 लोग करीब लापता हैं, शायद जीवित नहीं है, ये सब केदारनाथ में हुआ है। और केदारनाथ 11,000 फीट की एल्टीट्यूड पे है। ये राज्य सरकार का जो हमारा जो फोरकास्ट था, पर्वत बारिश के नाम पे, देखिए बाढ़ आती है, नदियों में बाढ़ आती है, हिमाचल में भी आती है। ये नहीं, जब घटना हो गई, जब घटना हो गई उसके बाद तो टोटल पैरालाइज हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने भी किया जी। जब 16 जून को राज्य में 123 सड़कों के टूटने की जानकारी सरकार के पास थी, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं कि अधिकारी पहुंचे केदारनाथ, जब 18 तारीख को हवाई जहाज से तस्वीरें ली तब जाए शायद आपको अंदाजा हुआ कि कितना भयानक ये घटना है। नहीं, 17 तारीख को जब घटना घटी, हमारा खुद का जो वहाँ का तहसीलदार था, जो आज शायद जीवित भी नहीं है, उसने वायरलेस से खबर कर दी थी, वो तो बेचारा खुद भी बह गया है। और केदारनाथ में ही करीब 40 लोग हमारे राज्य सरकार के, वो भी इसमें आहत हुए हैं। जब घटना घट गई 16 का, उसका तो सारा जो जहाँ थे वहीं रह गए, उसके बाद तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। कहा ही जाता है कि आप 16 तारीख के और 17 तारीख बीच में आपने लोगों को इवैक्यूएट क्यों नहीं कर दिया। अब इतने बड़े राज्य में जब एरिया स्पेसिफिक नहीं है कि किस नगर में किस ब्लॉक में क्लाउड बस्ट होगा, तो मैं कहाँ से किसको इवैक्यूएट कर दूँ? पिथौरागढ़, धारचूला, चमोली, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत बड़ा इलाका है। इंप्रेशन ये है विजय जी कि आपको और आपकी सरकार को अंदाजा ही नहीं था। देखिए, एक रिपोर्ट मेरे पास में है जिसमें कहा कि शनिवार रात 8 बजे शुरू तेज बारिश हुई, रविवार सुबह 6:30 बजे तक केदारनाथ के आसपास सैलाब ने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, बारिश लगातार जारी थी, लेकिन रविवार सुबह 7:45 बजे तक केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में विजय बहुगुणा सरकार इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ थी। नहीं, बिल्कुल ये आपके पास जो है, मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा। खबर आ गई थी हम लोगों को कि 16-17 तारीख को बहुत नुकसान हो गया है, कनेक्टिविटी स्नैप हो गई थी, जितने भी टावर्स थे सब काम करना बंद कर दिया था उन लोगों ने, सारे टावर्स चले गए थे। और दूसरी बात ये कि जो रोड है वो पूरी की पूरी रोड लिंक ख़त्म हो गई थी, तो सिवाय हेलीकॉप्टर के कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि आप वहाँ जाकर के देख सके हुआ क्या। मोबाइल्स काम नहीं कर रहे थे, और सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर गया है वो सिविल हेलीकॉप्टर गया, उसने वहाँ जाके, हमारे मिनिस्टर हैं हरक सिंह रावत, वो स्वयं वहाँ पहुँचे हैं, और फिर वहाँ से हमने इवैक्यूएशन शुरू किया, तो हमको तबाही पता चल गई थी। लेकिन कितने इसमें लोग आहत हुए हैं और कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो गया, मौसम इतना ख़राब था कि हेलीकॉप्टर भी सब जगह नहीं जा पाए। कब आपको अंदाज़ा हो गया था कि हाँ हालत बहुत ख़राब है? 17 तारीख को पता चल गया था कि केदारनाथ में बहुत ट्रेजेडी हो गई। एक रिपोर्ट मेरे पास में इसरो की जी, उसने कहा कि उनका जो सिस्टम है इसरो का, मोस्टैक जिसको सिस्टम कहते हैं, उसने वार्निंग दे दी थी 17 घंटे पहले, और एग्जैक्टली वो जगहें उनके मैप में रेड की हुई थी कि इन जगहों पर फ्यूरी हो सकती है, इन जगहों पर पानी आ सकता है। देखिए, ये वार्निंग राज्य सरकार के पास नहीं आई, ये जो आप बता रहे हैं इसरो का, हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, हमारे सैटेलाइट सिस्टम ने
ये एरिया स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज भी जो भी हमारे वेदर फॉरकास्ट हो रहे हैं उत्तराखंड में, दे आर नॉट एरिया स्पेसिफिक। और जिस समय तबाही का ये मंजर शुरू हुआ तो किसी तरह का कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आगे सड़क टूट जाए, पीछे सड़क टूट जाए, कोई कैसे राहत करेगा? हम क्या सिस्टम बना सकते? जब पूरा उत्तराखंड कट गया, लिंक्स रोड टूट गई, 200 पुल बह गए, 200 ब्रिजेस सर, करीब 1600 मार्ग एकदम ध्वस्त हो गए, तो आपका कोई भी सिस्टम आज आपका सिक्योरिटी है? मान ली यहाँ से सड़क टूट जाए, पीछे सड़क टूट जाए, यहाँ पे नदी आ जाए, पीछे नदी आ जाए, क्या करेंगे आप? तो ये पूरा हिली टेरेन, जिसको बोलते हैं कि पहाड़ धस गए, जो नदी 35 फुट नीचे थी, आज वो ब्रिज के ऊपर बह गई। आज ब्रिज 35 फीट नीचे पानी था, आज ब्रिज के ऊपर आ गया। तो इमीडिएट रिस्पांस, ऐसे बड़े प्रलय में हो ही नहीं सकता है, रिस्पांस में टाइम लगा। लेकिन दो दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आर्मी रिक्वेशन हुई, ITBP रिक्वेशन हुई, NDRF रिक्वेशन हुई, स्टेट सर्विस, और हम लोगों ने पूरा पुश किया, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि रास्ते नहीं थे सिवाय चौपर के कुछ। हमने तो लोगों की दुख भरी कहानियाँ सुनी है, लोग भीगे हुए थे, ठंड थी, खाने को कुछ नहीं था, और बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उस मौसम की मार को वो झेल नहीं सके। खाने को नहीं था, कम से कम फूड पैकेट्स ही पहले एक दो दिन में ड्रॉप हो सकते थे। देखिए, उसके लिए भी चौपर और वेदर चाहिए। आज भी हमारे करीब 400 गाँव हैं, आज तो करीब 40 दिन बीत गए, आज भी रजत जी 400 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे कि रास्ते नहीं हैं, और हम उनको सप्लाईज पहुँचा रहे हैं थ्रू हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, और वो हेलीकॉप्टर्स नहीं जा पाते क्योंकि मौसम ख़राब है। कितने ख़राब मौसम में हमारे चॉपर्स फ्लाई किए हैं कि एक एयरफोर्स का चॉपर क्रैश कर गया, एक सिविलियन चॉपर क्रैश कर गया, डेथ्स हो गई, एक हमारा चॉपर प्राइवेट जो है वो गिरा लेकिन पायलट बच गया। तो आज लोग अपनी जान पे, आज जिस तरह का वहाँ पे मौसम रहा है, इस वक्त मानसून पीरियड हिल्स पे, मैं कहूँगा कि एग्जेम्पलरी सर्विस की है एयरफोर्स के और सिविलियन पायलट्स ने। ये जितना बड़ा आपका कमरा है, इससे छोटे इलाकों में लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर उतारे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। तो परिस्थितियां भी समझना चाहिए, तो बहुत विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में काम हुआ है, और सेना तक को पहुंचने में टाइम लगा। रामबाड़ा जो जगह है, सेना को भी वहाँ पहुँचने में कई दिन लग गए, सेना वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, और आज तक भी हमें इतनी दिक्कत हो रही कि हम केदारनाथ तक का पैदल मार्ग नहीं बना पा रहे। तो एक एक जब पूरा इतनी बड़ी क्या कहते हैं सारा पहाड़ सारी व्यवस्था चरमरा जाए, तो रिस्पांस में टाइम तो लगेगा ना, इमीडिएट कैसे हो जाएगा? सिर्फ एक बड़ा सवाल ये है कि आपकी सरकार को संभलने में और प्लान करने में वक्त लगा, और वो जो 48 घंटे थे बहुत क्रूशल थे। अगर उस समय सरकार चेतावनी दे देती, उस समय सरकार अलर्ट होती, तो शायद जान बच जाती। अगर आप एक ये एक विचार है जो आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी सोचिए कि जब सूचना आ गई पूरे राज्य में त्रासदी हो गई है, ऐसे स्थिति में कहाँ क्या पहुँचाना है, प्लान करना पड़ता है, कैसे जाएंगे, कौन जाएगा, आर्मी कहाँ जाएगी, एयरफोर्स कहाँ जाएगा, ITBP कहाँ जाएगी। तो सारी प्लानिंग हुई, हम लोगों ने बैठ करके तब प्लान करके ये ऑपरेशन शुरू किए। इमीडिएट रिस्पांस आप कर नहीं सकते थे। एक तो आपको शायद ये भी नहीं पता कि हमारे उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस है, ये पूरा पहला प्रदेश है पूरे देश में जहाँ अंग्रेजों के समय से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, 61% ऑफ माई पॉपुलेशन, वहाँ रेवेन्यू पुलिस है। एक लेखपाल और वो होता है आपका पटवारी, वो डंडे से लेके वहाँ कानून व्यवस्था देखता है, क्योंकि देवभूमि है, वहाँ क्राइम रेट कम है। अगर हमारे पास रेगुलर पुलिस फोर्स होती और पुलिस स्टेशन होते तो एक इमीडिएट रिस्पांस हो जाता। अब ये जनता का तो कसूर नहीं है कि आपके रेगुलर पुलिस नहीं है, इसलिए किसी को जो लोग मरे उनका तो तकलीफ उनकी नहीं, तो कसूर मैं आप अपनी डिफिकल्टीज आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या थी। किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी त्रासदी होगी, लेकिन हमारा जो परंपरा चली आ रही पिछले 100 साल से पर्वतीय उत्तराखंड में, हमारे पास पुलिस का नेटवर्क इंटीरियर्स में नहीं है। अब हमने कल प्रधानमंत्री से बात किया है कि हमको फेज आउट करने दीजिए, हमको रेगुलर पुलिस स्टेशन लाने दीजिए, क्योंकि वहाँ पुलिस फोर्स होंगे, वहाँ वायरलेस सेट्स होंगे वहाँ पे, तो अगर कभी, अब तो पता ही नहीं कब कहाँ क्या घटना घट जाए। तो इसलिए SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हम बना रहे हैं, सबक सीखा है हमने इससे। लेकिन उस दिन उस समय ह्यूमन एफर्ट कितना भी हो जाता, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो आप कह रहे कि अब पुलिस फोर्स भी बनेगी, अब डिजास्टर मैनेजमेंट भी होगा। मुझे एक शेर याद आता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या। देखिए, सुनामी आई, भूकंप आए,
तो जब ऐसी त्रासदियाँ होती हैं तो फिर कमियाँ समझ में आती हैं, सामने आती हैं। कारगिल का युद्ध हुआ, उसको भी हमको रिस्पॉन्स करने में समय लगा। तो देखिए, कभी ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती हैं कि ह्यूमन फैक्टर को टाइम लगता है, लेकिन जो जिस तरह का ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है कि 1,10,000 आदमियों के हम लोगों ने लिफ्ट किया, निकाला, 300-400 किलोमीटर को भेजा, और 10-15 दिन के अंदर इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन विश्व के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा जो कि उत्तराखंड में हुआ, कि 1,10,000 लोग निकाल के सुरक्षित घर पहुंचाए गए। ये भी तो एक पहलू है ना, दोनों पहलू। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत जबरदस्त काम किया। नहीं, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्म्ड फोर्स, आर्मी तो एक यहाँ से निकाला, यहाँ रख दिया, लेकिन यहाँ से लेकर उनको घर तक पहुँचाना, रोड पहुँचाना, उनको रास्ते में इंतजाम करना, उनको हर आदमी पैसेंजर को 2,000 रुपये दिए, फ्री ट्रेन टिकट दिए, सब तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट। देखिए, आर्मी को सरकार को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जो हमारा संविधान है, जो हमारा देश है, जब समस्या आती है तो आर्मी, एयरफोर्स, राज्य सरकार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, गांव प्रधान, ये सब एक जैसे काम करते हैं, और ये बहुत बड़ा कंबाइंड ऑपरेशन हुआ है। बहुत सारी शिकायतें लोगों की हैं जिस तरह से राहत का काम हुआ, मेरे पास उसको लिए बहुत सारे सवाल हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर जनता के इल्जाम और सवाल आपका एक और। गृह मंत्री शिंदे जी आए, उनसे भी कहा गया आप एरियल सर्वे लीजिए, लेकिन हेलीपैड्स को मत यूज कीजिए, क्योंकि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन राहुल गांधी से ये कहना भूल गया, रजत वो विदेश से आए, हेलीकॉप्टर लेके गए और सीधे रजत जी जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं।